कई शेडिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, कई सारे आर्टिस्ट का जो आइडियाज हैं वो मेरे दिमाग में सेव हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा सोचकर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि मैं हेयर बना रहा हूँ, बल्कि मेरे लिए वो एक ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए वो जितनी जगह घेर रहे हैं पेज पर उसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, थंबनेल देखकर तो तुम जान ही चुके हो कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैं ज्यादा लुमिस मेथड के बेसिक्स में नहीं, बल्कि उसे अप्लाई कैसे किया जाता है, फेस कैसे उसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फेशियल फीचर्स ऐड करने हैं उसमें, उन सारी चीजों पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करने की भूल मत करना। अगर की तो सपनों में आकर तुम्हारा पोर्ट्रेट इतना गंदा बनाऊंगा ना, जब जब शीशे में देखोगे तब तक वो ही दिखेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड वाइड फेमस सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी का फेस। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फेस की प्रोपोर्शन जजमेंट करनी पड़ेगी, सर्कल के अंदर वो क्रॉस कहां पर आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी बातें अभी आपको नहीं समझ आ रही हैं, तो इससे पहले आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करो और उस वीडियो को देख कर आओ, ताकि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, वो ज्यादा अच्छे से समझ आए आपको और फेस आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें कि क्रॉस कैसे आया, साइड कट कैसे आया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ज्यादा लंबी नहीं करनी है इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो सर्कल आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, आप देखिए कहाँ पर आ रहा है ये सर्कल, क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये है हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक क्रॉस प्लेस करना है यहाँ पर। अब ये क्रॉस देखिए कहाँ पर आएगा, सर्कल का ये रहा हमारा ऑलमोस्ट मिडल, यहाँ पर हमें मिडल से यहाँ पर जाना है, ये इस रीजन में रहेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं। उसके बाद बारी आती है साइड कट की, साइड कट के लिए ये चार पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आईब्रो जहाँ से खत्म हो रही है, ईयर का निचले वाला पार्ट, हेड का एंड पॉइंट, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये मैंने अपने आइडिया से लिया है, के बाद ये आ जाएगा हमारा साइड कट। उसके बाद हमारे पास हेयर लाइन आ जाएगी, आईब्रो लाइन, नोज लाइन और जॉ लाइन आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि आई लाइन डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है ईयर से और नोज लाइन कनेक्ट हो रही है एंड ऑफ द ईयर से, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं प्रोपोर्शन जजमेंट पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने तीन लाइंस लगा ली, फोरहेड के लिए आईब्रो टू नोज लाइन, नोज लाइन टू जॉ लाइन तक। सबसे पहले आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि कहां से कहां तक का डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस कम आ रहा है। अपनी आईज को ट्रेन करो, अपनी आईज को काम पे लगाओ, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर देंगे, तो इसलिए उनसे पहले पूछना है आपको, तभी वो आपको बताएंगे। देखने से भी यही लग रहा है के फोरहेड सबसे छोटा आ रहा है, बट अभी आप कंफ्यूज कहां पर हो रहे होंगे, आपको भी यही लग रहा होगा कि आईज टू नोज और नोज लाइन टू जॉ लाइन हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आईब्रो लाइन टू नोज लाइन तक का डिस्टेंस को नीचे रख देता हूँ तो हमारे पास इतना डिस्टेंस बच रहा है अभी भी। तो सेम लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली रखता हूँ तो मिडल लाइन से साइड कट तक का डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, और अगर मैं फोरहेड तक के डिस्टेंस को नीचे रख देता हूँ तो इतना डिस्टेंस आ रहा है, और अगर उसी सेम लाइन को मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस करा देता हूं तो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इन सभी प्लेसमेंट्स को हमें ध्यान में रखना है और उनकी जगह उतनी ही रखनी है, उतनी ही बड़ी और उतनी ही छोटी रखनी है। प्लेसमेंट पर ध्यान रखना है, प्रोपोर्शंस पर ध्यान रखना है, ये तीनों लाइंस बहुत जरूरी हैं। बाद की बात है कि आप आईज बना रहे हो, नोज बना रहे हो या लिप्स बना रहे हो, वो बात की बात है, बट प्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो एक बार ये स्ट्रक्चर पूरा आपके पास प्लेस हो जाए उसके बाद हम चलेंगे अंदर के फेशियल फीचर्स पर। और अब जल्दी से चलते हैं अपनी स्केचबुक में और उसे ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूं एक सर्कल और उस क्रॉस को। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि एक परफेक्ट सर्कल बने जिसकी हाइट और विड्थ सेम हो। चेक कर रहा हूं पेंसिल से ही इस तरीके से कि उसकी हाइट और विड्थ इक्वल है या नहीं। ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद बारी आती है क्रॉस की। सबसे पहले मैं सेंटर फाइंड कर रहा हूँ इसका। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास सेंटर इसका। अब हमें जाना है यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा कुछ यहाँ पर, सेंटर से इस डायरेक्शन में। उसके बाद बारी आती है साइड कट की। अब साइड कट देखो कहाँ पर आ रहा है। साइड कट का जो ये वाला पोर्शन है वो छोटा है और ये वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा है। साइड कट से मैं इतनी दूरी ले रहा हूँ, यह आ जाएगा इसका साइड, यह आ जाएगा टॉप, दिस इज द बॉटम, हियर इज द साइड। यह आ गया साइड कट। साइड कट की डायरेक्शन आ रही है ये, लाइन की डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। दूसरा साइड कट आ रहा है कुछ यहां पर, हेयर लाइन सेम एज इट इज स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर, जहां पर ये हेयर लाइन, आईब्रो लाइन, नोज लाइन और जॉ लाइन पैरेलल होंगे। जो ये मिडल लाइन आ रही है ये सीधा नीचे चली जाएगी,
साथ साथ अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है आपकी तो उसे भी सही करते चलेंगे। अभी स्टेज पर मैं इन चारों लाइंस के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली मैं सही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसा हमने पहले देखा था कि आईब्रो लाइन टू नोज लाइन तक का जितना डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस मिडल लाइन टू साइड कट के तक का आएगा और वही हो रहा है। ये थोड़ा ज्यादा ही आ रहा था। ये तैयार हो चुका है मैसी सर के फेस का स्ट्रक्चर। अब बात आती है इनके बीच के फेशियल फीचर्स की। सबसे पहले उनकी जगह डिसाइड करेंगे हम, देखिए किस तरीके से। आई सॉकेट के लिए जगह डिसाइड कर रहा हूं, नोज के लिए जगह डिसाइड की, आईज के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत ये भी डिसाइड किया, ज्यादा अंदर नहीं गया हूं। आईब्रोज का डिस्टेंस देखना, जितना मेरे को दिख रहा है उतना ही रखूंगा। यहां से यहां तक का थोड़ा सा मेरे को हल्का ज्यादा लग रहा है तो मैं उतना रखूंगा। अब ऐसा नहीं रखूंगा कि यहां से यहां तक का जितना होगा मैं इक्वल रख दूं, नहीं, जितना दिख रहा है उतना रखना है। बालों की वॉल्यूम डिसाइड कर रहा हूँ, जितना स्पेस मेरे को दिख रहा है उतना। और यहाँ पर मैं ऐसा सोचकर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि मैं हेयर बना रहा हूँ, बल्कि मेरे लिए वो एक ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए वो जितनी जगह घेर रहे हैं पेज पर उसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखिए फेस के अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं उनकी प्लेसमेंट भी रिलेट कराते चलूंगा दूसरे फीचर के साथ। जैसे नोज का ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये आईज की स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा मेरे को बाहर आना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस फोटो में मेरे को वही दिख रहा है। सेम अगर मैं यहां पर जाऊं तो मेरे को थोड़ा टेढ़ा आना पड़ेगा, सीधा नहीं टेढ़ा। अब जो बीएड की एंडिंग हो रही है वो अगर मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं, अगर यहां पर मैं आई सॉकेट के अंदर आयरिस क्रिएट करता हूं इस एरिया में, तो वो तकरीबन मिडल में आएगी। तो यहां पर हमारे पास बियर्ड की एंडिंग आ गई। लिप्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी है, बट जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो थोड़े से नीचे हैं। मतलब अगर मैं मिडल पॉइंट इसका तकरीबन यहाँ पर ले रहा हूँ, थोड़े से नीचे की तरफ जा रहे हैं लोअर लिप। अभी स्टेज पर आके मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नीचे जानी चाहिए थी, तो मैं उसे नीचे लेकर भी जा सकता हूँ। अब जो बियर्ड आ रही है वो इन लाइन से थोड़ी नीचे आ रही है। ऑलमोस्ट हमारी सारी मार्किंग्स हो चुकी हैं, प्लेसमेंट की भी हो चुकी हैं, प्लेसमेंट सारे फेशियल फीचर्स की प्लेसमेंट की मार्किंग हो चुकी है, इवन बालों की भी हो चुकी है। अब मैं वही चेक कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक है या फिर कुछ और मेरे को चेंज करना हो या छोटा बड़ा करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ स्टेज पर। अब मैं इन सारे लाइन्स को हल्का करने जा रहा हूँ नीडेड इरेजर की हेल्प से। अब मैं धीरे धीरे फेशियल फीचर्स को प्लेस कराते हुए चलूंगा। अब इसी आईज की हेल्प से मैं दूसरी आईज भी बना सकता हूं, उसकी हाइट डिसाइड कर सकता हूं, उसका बेस डिसाइड कर सकता हूं। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप फेशियल फीचर्स को बना रहे हो तो उस टाइम पर लुमिस मेथड ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर आपको लुमिस मेथड की और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो उसको और ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा। लुमिस मेथड बताता तो है कि फेशियल फीचर्स किस तरीके से बनाने हैं, बट हर एक आईज़ के लिए, हर एक नोज़ के लिए अलग अलग फेशियल फीचर्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आईज़ का ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई को ट्रेन करने पर अगर आप फोकस करते हो तो सामने कोई भी फेशियल फीचर हो आपको मुश्किल नहीं होगी उसे बनाने में। मैं यहाँ पर इस तरीके से आउटलाइन कर रहा है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैं किस चीज की मार्किंग दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्या दिख रहा है वहां पर, और मैं किस चीज की लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, कर्व क्रिएट कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी पार्ट है कि जो आयरिस की हाइट और विड्थ है और जो इसकी गोलाई है, जितनी बड़ी ये आयरिस है वैसे ही ये आनी चाहिए, अगर ये छोटी बड़ी हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह मेरे को थोड़ी सी विड्थ में छोटी लग रही है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। अभी जो मैंने कहा कि देखने वाला जो पार्ट है इसे आपको बाकियों से कॉपी करना है, जैसे जैसे आप कॉपी करते जाओगे वैसे वैसे आपका इम्प्रूव होता रहेगा। मैं भी एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, कि अगर आप बाकियों से सीख रहे हो और आप उसे ये समझ रहे हो कि उनसे वो चोरी हो रही है, तो एक
बिल्कुल थिन लाइन होती है चोरी करने में और यूनिक आर्टवर्क बनाने में। अगर आप एक सिंगल आर्टिस्ट का आर्टवर्क कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल एज इट इज बना रहे हो, वो कहलाएगा चोरी। बट अगर आप काफी सारे आर्टिस्ट को मिलाकर अपना कुछ आइडिया डालकर कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप कुछ यूनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ से सीखने को आपको ये मिलता है कि कभी भी एक आर्टिस्ट का काम एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है। स्टार्टिंग में कॉपी करो, स्टार्टिंग में आपको हर एक आर्टिस्ट जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे आपको करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। जो ये छोटी छोटी आपको रैंडम शेप्स दिख रही हैं, इनको बनाने की कोशिश करो। अब जैसे अगर आप इस वाले पार्ट को, छोटे से पार्ट को अलग से पेज पर बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ये नोज का रूप ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। जैसे मैं नोस्टिल्स बना रहा हूँ, इनको सेपरेट ड्रॉ करने की कोशिश करो। छोटे छोटे पार्ट्स को बनाते बनाते मैं थोड़ा दूर भी जा रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल लुक मिल सके कि वो ओवरऑल सही लग भी रहा है नहीं लग रहा है। सबसे पहले मैंने इस नोज को पास से बनाया, उसके बाद मैं थोड़ा दूर गया और देखा क्या वो सही लग रहा है दूर से। तो मैंने देखा कि जो हाइट है ना इसकी वो ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो मेरे को उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा ग्रेस बालों की होती है, तो जैसे ही हम यहाँ पर बाल बनाने स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ ये फेस ओवरऑल मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना, ये वाला लाइन को नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख भी नहीं रही है वो क्लियर, तो इसलिए मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगा। बियर्ड के लिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि इस तरीके से कुछ जिगजैग लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि एक टेक्सचर क्रिएट हो जाए, एक आइडिया व्यूअर को लग जाए कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई शार्प हार्ड एज नहीं है, यहाँ पर एक क्लियर बियर्ड है। तो बियर्ड वाली फील लाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से टेक्सचर बना रहा हूँ। ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टवर्क को जल्दी फिनिश करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस ही है। आपको आगे ना जाने कितने हजारों लाखों आर्ट बनाने हैं और ये आपका भी प्रैक्टिस वर्क है, तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम तो आप बाद में कर लोगे, इजीली आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये प्लेसमेंट में ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए। लियोन मेसी सर का फेस हो चुका है रेडी, इसमें अब डिटेलिंग वाला काम बाकी है बस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक आर्टिस्ट का काम सीधा कॉपी नहीं करना होता, एट दैट मोमेंट आप आर्टिस्ट को समझ रहे हो, आर्टिस्ट की थॉट प्रोसेस को समझ रहे हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप भी कुछ वैसा ही बना सको। एक तो मैं यहाँ पर एक रियलिस्टिक फोटो रहा हूँ, बट जब मैं बना रहा हूँ उसे, कई जगह पर मैं क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर मैं स्मूथ शेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो कहाँ से आया, कहाँ से मेरे दिमाग में आ रही है, वो आ रही है कि जब मैं दूसरे आर्टिस्ट को देखा उस टाइम पर मैं प्रैक्टिस करता था सेम जैसा वो बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है खाली मैंने क्रॉस हैचिंग की प्रैक्टिस की, कई जगह पर स्मूथ शेडिंग भी होती थी, कई जगह पर कॉन्टोर शेडिंग भी होती थी। तो जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा ब्रेन मेरे को बताता जा रहा है कि हाँ यहाँ पर तू क्रॉस हैचिंग कर सकता है, यहाँ पर तू ब्लेंडिंग कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिलते जा रहे हैं मेरे को। अब यहाँ पर मैंने भी यही किया, देखो कि एक आर्टिस्ट को कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, कई सारे आर्टिस्ट का जो आइडियाज हैं वो मेरे दिमाग में सेव हैं, उन आइडियाज के साथ मिलकर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और जो जो मेरे दिमाग में अब आता जा रहा है वो बन रहा है। अब जहाँ पर मेरे को ध्यान लेकर जाना था व्यूअर का, उसे मैंने ज़्यादा डिटेल कर दिया है, बाकी ज़्यादा पार्ट मैं नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बियर्ड है, बियर्ड पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा, ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को ध्यान लेकर जाना था इसी रीज़न पर, आईज रीजन पर, जहाँ से एक आइडिया क्रिएट हो रहा है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारी शेडिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं लियोन मेसी सर के फेस की।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में से जो भी आपने कुछ नया सीखा या नेक्स्ट लूमिस मेथड किस फेस पर अप्लाई करवाना चाहते हो मुझसे, वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाए। जो लोग वीडियो में आते ही कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, ये देखने लग जाते हैं कि वीडियो अच्छी है या बुरी, उन्हें पता लग जाए कि इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है। और अगर आप भी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हो जो सीखना चाहते हो कि ड्राइंग कैसे किया जाए, रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे की जाए, फेस ड्राइंग कैसे बनाई जाए, स्टिल लाइफ लैंडस्केप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके लिए आप रूट्स ऑफ आर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप वहां पर दिए हुए नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उस ट्रेनिंग में आपके ड्रॉइंग के बेसिक्स क्लियर तो होंगे ही होंगे, बट साथ ही साथ मार्केट में किस तरीके से अपने आर्टवर्क को सेल किया जाए, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे एक आर्टिस्ट कमा सकता है, वो सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो सीखने के साथ साथ मार्केट की भी नॉलेज मिलेगी आपको, किस तरीके से वीडियोस बनाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हो ये किस तरीके से शूट किया जाता है, एडिट किया जाता है, वो भी सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैंने काफी सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ड्राइंग्स को इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ सिखाया गया है, तो वो आप चेक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।